गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो हमारा छठवां फंडामेंटल राइट है और इसी को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो बात करते हैं आखिर ये क्या है। इसको स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं, अभी तक हमने पांच फंडामेंटल राइट्स देख लिए हैं। हमने समानता के अधिकार की बात की, स्वतंत्रता के अधिकार की बात की, शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात की, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात की और पांचवा हमने देखा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। तो दोस्तों, अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये फंडामेंटल राइट नहीं होता तो बाकी के पांच के होने का कोई मीनिंग नहीं था। इसका मतलब क्या है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको गारंटर बनाया गया है। मतलब इस फंडामेंटल राइट का काम क्या है? अगर किसी भी कंडीशन में किसी इंसान के फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन होता है, उस कंडीशन में ये रेमेडी उसे ये ऑप्शन देता है कि वो अपने फंडामेंटल राइट को सस्टेन कर सके, बना के रख सके। तो आज हम देखते हैं आखिर ये आर्टिकल क्या कहता है। तो पहली चीज ये, अगर आपसे पूछा जाता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमारे संविधान में कहां पर है, तो आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 32 पावर देता है कि सुप्रीम कोर्ट को, और आर्टिकल केवल 32 है। और अगर हम आर्टिकल 226 की बात करते हैं, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। क्या है, अभी हम बात करेंगे। तो अभी तक हमने ये जाना कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज किस आर्टिकल में है। अब हम बात करते हैं कि जो है इसे आखिर ऐड क्यों किया गया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, मतलब ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे रूल किया है और इस टाइम पे हमने उनके यहां से काफी चीजें देखी हैं। हमने ये भी देखा कि सबसे पहले मैग्ना कार्टा हमें मिलता है ब्रिटिश रीजन में। तो पहले जो ब्रिटिश किंग है, यानी ब्रिटेन के जो राजा है, वो नागरिकों के अधिकारों के रक्षा के लिए कुछ आदेश दिया करते थे। उन्हीं आदेश को कहा जाता था रिट्स। तो यानी आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है कि आप फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए रिट जारी कर सकता है। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में हमें ये जानना है कि सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार के रिट जारी कर सकता है, किस कंडीशन में कौन सी रिट जारी होती है और कौन सी रिट किस चीज को अफेक्ट करती है। तो अगर हम बात करें रिट की, तो आपको पता होना चाहिए कि पांच प्रकार की रिट सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। ये रिट कौन कौन सी होती हैं, रिट क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, कहने जनरल मीनिंग में हम ये जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी रिट जारी करता है, हाई कोर्ट भी रिट जारी करता है। तो आखिर इनमें क्या डिफरेंस है, हम उसको जानेंगे और हम एक एक करके पांचों रिट के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो अभी हम आर्टिकल 32 के बारे में जानते हैं कि आखिर आर्टिकल 32 क्या है। तो पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल 32 इंडिविजुअल लेवल पे, यानी व्यक्तिगत तौर पर लोगों को ये अधिकार देता है कि आप अपने फंडामेंटल राइट के खिलाफ या फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। दूसरी चीज ये कि आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है, ध्यान रखेंगे, किसी भी जुडिशरी को नहीं, केवल और केवल आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है कि आप फंडामेंटल राइट के वॉयलेशन के कंडीशन में रिट जारी कर सकता है। तो अब हम इस वर्ड को जानेंगे कि आखिर रिट क्या होता है, आखिर रिट क्या होता है। तो सामान्य शब्दों में अगर हम बात करें कि न्यायालय के द्वारा जारी किया गया आदेश, ध्यान से सुनेंगे, न्यायालय के द्वारा जारी किया गया आदेश जो मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है उसे रिट कहते हैं। इसे अगर हम देखें तो ये एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का विशेषाधिकार है, ये एक प्रकार का विशेषाधिकार है। रिट एक प्रकार का विशेषाधिकार है जो कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अब हम बात करते हैं डिटेल में कि रिट के कितने प्रकार होते हैं। इसके बारे में पहले दो तीन बातें हमें पता होनी चाहिए। पहली बात तो हमें यह पता होनी चाहिए कि 1950 से पहले, 1950 से पहले केवल तीन हाई कोर्ट को, मतलब समझेंगे, यहां दो आर्टिकल्स हैं, एक आर्टिकल है 32 और एक आर्टिकल है 226। आर्टिकल 32 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है
आर्टिकल 226 कहता है कि हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। तो ये हाई कोर्ट रिट जारी करने की पावर पहले केवल तीन हाई कोर्ट को थी, और वो तीन हाई कोर्ट कहां है, एक बंबई है, एक कलकत्ता है और एक मद्रास है। 1950 से पहले केवल तीन हाई कोर्ट ही रिट जारी कर सकते थे। अगर हम आज की बात करें तो सभी हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 का यूज करके रिट जारी करने की पावर है। अब हम बात करने वाले हैं रिट के कितने प्रकार हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि रिट के पांच प्रकार हमारे संविधान में डिस्क्राइब किए गए हैं, और ये पांच प्रकार कौन कौन से हैं अब हम एक एक करके इनके बारे में डिटेल से जानते हैं। तो देखिए, यहां पे हम देख पा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कौन से पांच प्रकार के रिट जारी कर सकता है। पहला हम देख पा रहे हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण हैविस कॉर्पस, दूसरा हम देख पा रहे हैं परमादेश, तीसरा हम देख रहे हैं प्रतिषेध, चौथा पांचवा है अधिकार परीक्षा। तो एक एक करके जानना है कि आखिर ये रिट सुप्रीम कोर्ट कब जारी करता है। उससे पहले दो क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे। पहला क्वेश्चन ये ध्यान रखेंगे, अभी हमने आपको बताया आर्टिकल 32 काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर आर्टिकल 32 ना हो, यानी ऐसा समझिए कि आपके जेब में पड़े तो 5 लाख रुपए हैं लेकिन पुलिस नहीं है, और आपको जाना है यहां से 500 किलोमीटर दूर, तो रास्ते में 5 लाख कोई भी चोरी कर सकता है। तो कुल मिला के ऐसा है कि हमारे फंडामेंटल राइट जहां हमें प्राउड फील कराते हैं, जहां हमें एक अच्छी लाइफ जीने के लिए फ्रीडम देते हैं, तो अगर ये राइट ना होता तो उन फंडामेंटल राइट की कोई अस्योरिटी नहीं थी, कोई गारंटी नहीं थी, उन्हें कभी भी वॉयलेट किया जा सकता था। यही कारण है भारतीय संविधान के निर्माता या भारतीय संविधान के जनक V.R. अंबेडकर ने इस फंडामेंटल राइट को संविधान की आत्मा और हृदय की संज्ञा दी है, यानी सोल एंड हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा अब देखिए, प्रोटेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट का गारंटर और प्रोटेक्टर कहा गया है। मतलब सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स की गारंटी लेता है कि अगर कोई वॉयलेट करेगा तो हम बचाएंगे, और उसे क्या कहा गया है, संरक्षक, मौलिक अधिकारों का संरक्षक। तो एग्जाम में अगर कभी क्वेश्चन आता है मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है, सुप्रीम कोर्ट। मौलिक अधिकारों की गारंटी कौन लेता है, सुप्रीम कोर्ट। V.R. अंबेडकर ने किस भाग को संविधान की आत्मा कहा है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। संविधान में कितने प्रकार के रिट का उल्लेख है, पांच प्रकार के रिट का उल्लेख है। सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत रिट जारी करने की शक्ति रखता है, तो हमने बताया सुप्रीम कोर्ट ये पावर रखता है अंडर आर्टिकल 32। अगर आपसे ये पूछा जाता है हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के अंतर्गत रिट जारी करने की पावर रखता है, तो आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 226। तो ये तो कुछ जनरल वर्ड्स है। अगली बात आपको क्या ध्यान रखना है, जितने भी रिट हैं सभी लैटिन वर्ड से बने हुए हैं। मतलब ये सभी जो वर्ड हैं ये सब लैटिन वर्ड्स हैं। अब ये आपस में डिफरेंट हैं, एक एक करके हम बात करते हैं कि आखिर ये कैसे आपस में डिफरेंट है। तो अब हम देखते हैं एक एक करके आखिर ये सभी रिट कब जारी किए जाते हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है इन सभी, अच्छा आप इस पार्ट को काफी ध्यान से देखेंगे, क्यों, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट का सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट है, और अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो फिर सारे एक जैसे लगने लगते हैं। इसको समझने के लिए आप सभी रिट के एक एक मीनिंग को समझेंगे, मतलब उनके साथ एक वर्ड फिट करेंगे। अब देखिए, आप इसको ऐसा समझेंगे, बंदी को हाजिर किया जाए, देखो बंदी को प्रत्यक्ष लाया जाए, तो इसके लिए आप एक वर्ड ध्यान रखेंगे, प्रस्तुत करना, प्रस्तुत करना। अब हम इसको रियल लाइफ एग्जाम्पल में समझते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल में समझते हैं आखिर ये रिट कब जारी की जाती है। देखता हूं, समझिए, अगर किसी व्यक्ति की सजा पूरी हो गई है और फिर भी उसे अगर राज्य के द्वारा जेल में रखा जा रहा है, तो निश्चित तौर पर यह उसके स्वतंत्रता के अधिकार का हनन है। अगर आपने कोई अपराध किया है, आपको न्यायालय ने मान लीजिए 5 साल की सजा दी है, अगर आपको 5 साल 1 दिन जेल में रखा गया है, तो 1 दिन जो आपको जेल में रखा गया है वो गलत किया गया है। तो इसका मतलब ये है, अगर किसी व्यक्ति को राज्य
राज्य अनावश्यक रूप से बंदी बनाती है, उस स्थिति में तो या तो खुद या तो उसका कोई रिश्तेदार न्यायालय में आवेदन कर सकता है। न्यायालय उस व्यक्ति को रिहा करने के लिए, मतलब अब देखिए, न्यायालय ने अगर बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी की है, रिट का सीधा सा मतलब है कोर्ट का ऑर्डर, तो अगर किसी ने आवेदन किया है कि साहब हमारे अधिकार का हनन हो रहा है, उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट अगर बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करता है, मतलब न्यायालय राज्य से यह कहता है कि उस व्यक्ति को हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया जाए। प्रस्तुत करने का मतलब यह है न्यायालय उसको प्रस्तुत कराता है और जो है उसे मुक्त करने का आदेश देता है। अब बात यह की जा रही है सर आखिर किन किन कंडीशंस में ये रिट जारी नहीं की जा सकती है, समझेंगे। अगर किसी व्यक्ति को किसी अपराध के चलते गिरफ्तार किया गया है तो वो बंदी प्रत्यक्षीकरण नहीं लगा सकता है। क्यों? क्योंकि आपने कानून का उल्लंघन किया है। अगर किसी व्यक्ति ने न्यायालय की अवमानना की है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण नहीं लगा सकता है। अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ देशद्रोह का प्रकरण है या कि संभावना है कि इसने किसी प्रकार की आतंकवादी घटनाओं में भाग लिया है या किसी ऐसे नियम का उल्लंघन किया है जो कि काफी कठोर है, या उसे न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर किसी विषय के कारण बंदी बनाया गया है, इन स्थितियों में न्यायालय ये आदेश नहीं देगा। क्यों? क्योंकि संवेदनशील मुद्दा है या कि उसे न्यायालय ने खुद ही सजा दी हुई है। तो अभी हमने जाना बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो जब भी आप रिवाइज करेंगे, या काफी दिनों तक रिवाइज नहीं करेंगे, बस एक बात ध्यान रखिएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है बंदी को प्रस्तुत किया जाए, और बंदी को प्रस्तुत करने का आदेश न्यायालय कब देगा? जब बंदी को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है, और जब गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है तो सुप्रीम कोर्ट इस आदेश के द्वारा राज्य से यह पूछता है कि आप हमें कारण बताओ कि फला व्यक्ति को किस कारण से आपने गिरफ्तार किया है, और अगर उचित कारण है तब तो ठीक है। उचित कारण का मतलब जो हमने बताया है कि किन किन परिस्थितियों में ये रिट जारी नहीं होगी, लेकिन अगर गिरफ्तार करने का कोई उचित कारण नहीं है तो तुरंत उस व्यक्ति को रिहा करना पड़ता है। कई सारी मूवीज में भी आपने देखा है कि जब पुलिस अधिकारी किसी मंत्री के दबाव या किसी स्थिति में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेते हैं और बाद में उसका वकील जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो है रिट लगाता है, उस स्थिति में जब पुलिस अधिकारी जांच करते हैं उन्हें उस व्यक्ति को रिहा करना पड़ता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखने वाले हैं दूसरे रिट को, जिसे हम कहते हैं परमादेश, या इसी को हम कहते हैं मैंडमस। हमने आपको बोला कि अगर आपको रिट ध्यान रखना है तो एक रिट से एक वर्ड फिट करना है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब प्रस्तुत किया जाए, और परमादेश का मतलब है हम आदेश देते हैं। भैया आदेश कौन दे रहा है? सुप्रीम कोर्ट। अब क्या आदेश दे रहा है, किसे आदेश दे रहा है, और आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, समझते हैं। ऐसा समझिए, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जैसे निर्वाचन आयोग, या कोई स्टैचुटरी बॉडी है, या कोई नॉन स्टैचुटरी बॉडी है, या कोई गवर्नमेंट ऑफिस है, या कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है। क्योंकि अभी जितने हमने नाम लिए, संवैधानिक संस्था हो, गैर संवैधानिक संस्था हो, इसके अलावा कोई सरकारी उपक्रम हो, कोई सरकारी पदाधिकारी हो, इनसे उम्मीद की जाती है कि आप सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों को अच्छे तरीके से लागू कराइए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो विभाग या वो अधिकारी अपना 100% नहीं देता है, और कई बार वो अपने कर्तव्य में लापरवाही करता है। तो अगर कोई विभाग या कोई सार्वजनिक अधिकारी अपने कर्तव्य की उपेक्षा करता है, लापरवाही करता है, उस स्थिति में आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में रिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर उसकी जांच करता है और आपके पक्ष को सही पाता है, उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ये जो ऑर्डर देता है कि हम आदेश देते हैं, तो एक बात आपको समझना है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा आदेश तभी देगा जब वो कोई पर्सनल यूज की बात नहीं होगी, वो जो ऑफिस है वो पब्लिक फंक्शन परफॉर्म करता है, मतलब लोक उपक्रम के काम करता है,
ऐसे ही विभाग के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ऐसा आदेश दे सकता है। तो अब हम ये समझते हैं आखिर किन किन कंडीशंस में सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। जैसे समझिए, अगर हमारा कोई पर्सनल फॉर्म है और हम कुछ काम करते हैं, उस काम की वजह से किसी का डिले हो रहा है, मतलब अगर कोई व्यक्तिगत उपक्रम है और वहां पर डिले हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। अगर हम कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हैं और कोई काम हमारे विवेकानुसार करना है तो कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। क्यों? विवेक का मतलब है हमें सही लगा इसलिए हमने किया। राष्ट्रपति और राज्यपाल को कुछ डिस्क्रिप्शन होते हैं, उनका विवेकाधिकार होता है, अगर वो अपने डिस्क्रिप्शन का यूज करते हैं उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट मैंडमस जारी नहीं कर सकता है। और ये जैसे ही सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है ये तुरंत प्रभावी होता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अगर किसी विभाग को ये आदेश दिया, मतलब इस काम को जल्दी से जल्दी किया जाए, तो इसका मतलब उस विभाग को वो काम करना होगा। तो परमादेश का मतलब हम आदेश देते हैं। आदेश किसे देगा? कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैचुटरी, नॉन स्टैचुटरी, गवर्नमेंट ऑफिस या गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इनको सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे सकता है। और जब वो ऑर्डर देता है उस कंडीशन को हम कहते हैं परमादेश। अब हम तीसरे रिट पर आने वाले हैं। हम तीसरे और चौथे रिट को एक साथ देखते हैं, क्योंकि अगर हम इनको एक साथ देखेंगे तो आपको ये कभी नहीं भूलेगा। देखते हैं, तीसरा रिट है प्रतिषेध, जिसे हम कहते हैं प्रोहिबिशन। नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रतिषेध करना, प्रोहिबिट करना मतलब रोक लगाना। तो एक जो बड़ी बात आपको ध्यान रखना है, ये सिर्फ जुडिशियरी के लिए जारी किया जाता है, मतलब न्यायिक प्राधिकरणों के लिए ये रिट जारी किया जाता है। अब समझते हैं आखिर प्रतिषेध क्या होता है और कब जारी किया जाता है। प्रतिषेध का मतलब है रोकना, और रोकेगा किसे? लोअर यूनिट, अपर यूनिट, लोअर यूनिट को ये ऑर्डर देगा। और ऑर्डर कब देगा? अगर न्यायालय को लगता है कि संबंधित विषय किसी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इसको ऐसा समझे, अगर हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि सेशन कोर्ट में जो मुद्दा चल रहा है ये उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर का है, अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं बोलेंगे या हम ऐसा बोलेंगे, अगर हम ऐसा बोलेंगे, अगर सेशन कोर्ट में कोई डिसीजन आ गया है तो उस डिसीजन के खिलाफ अगर कोई जाता है, कहा जाता है हाई कोर्ट में कि साहब हमारे फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन हुआ है, हाई कोर्ट उसकी जांच करेगा और अगर पाएगा कि ये जो है गलत निर्णय है, ये उस पर क्या करेगा, सीधा सीधा रोक लगा देगा। मतलब क्या? गलती होने से रोकने के लिए, गलती होने से रोकने के लिए। मतलब अगर लोअर कोर्ट ने कोई गलत निर्णय दे दिया है तो उसको रोक देगा, और ये निर्णय, ये रिट जैसे ही आएगी तो उस अदालत का फैसला वहीं पर निरस्त मान लिया जाएगा। अब हम देखते हैं उत्प्रेषण क्या करता है। उत्प्रेषण, इसको ऐसा समझेंगे, सेट्यूररी जो है, उत्प्रेषण मतलब ऊपर की ओर भेजना। ऊपर की ओर भेजना का मतलब ऐसा समझिए, किसी कोर्ट में कोई केस चल रहा है और मेरा मुद्दा है, मुझे लग रहा है चीजें ठीक से नहीं हो पा रही है, मैंने हाई कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट में जब मैंने अपील की तो हाई कोर्ट में ये पाया गया कि इस केस की या तो सही कार्यवाही नहीं हो रही है और या तो ये विषय इनके अधिकार क्षेत्र से बाहर का है। ये इस स्थिति में हाई कोर्ट उस कोर्ट के पास एक ऑर्डर भेजेगा, और उसी ऑर्डर को हम कहते हैं सिक्योररी। और ये ऑर्डर क्या कहता है? ये ऑर्डर ये कहता है कि आप इस लंबित मामले को ऊपर भेज दें। अगर हाई कोर्ट में लंबित है, सुप्रीम कोर्ट में भेज दें। तो इसका मतलब क्या है? एक बारीक सा डिफरेंस है। जहां प्रोहिबिशन कहता है डिसीजन आ गया है, उस डिसीजन को रोकना है, वहीं पर सिक्योररी कहता है कि डिसीजन अभी नहीं आया है, डिसीजन आने वाला है। मतलब क्या? ये गलती होने के बाद जो है उस फैसले को रोकने के लिए है, और ये जो है गलती होने से पहले ही सुधारने के लिए। दूसरा डिफरेंस आपको क्या समझना है? दूसरा डिफरेंस मतलब एक सीधा सा समझिए, कोर्ट में केस चल रहा है, फैसला आ गया है, उस फैसले के खिलाफ हम उसके अपर कोर्ट में गए और कोर्ट ने उसको रोक दिया, तो ये हो गया प्रतिषेध लगा दिया, प्रोहिबिट कर दिया।
अगर कोर्ट में केस अभी लंबित है, अभी फैसला आया नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि फैसला हो सकता है उचित ना आए, और उस स्थिति में जब आप अपर कोर्ट में लगाते हैं और जो कोर्ट रिट जारी करता है उसे कहते हैं उत्प्रेषण। तो ये है प्रिवेंशन, यानी निवारक है फैसला आने के बाद उसको रोकना, और ये निवारक के साथ उपाय भी है, मतलब हो सकता था आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो, तो आपने पहले तो उसे रोका और फिर अपर कोर्ट में गया, तो मतलब निवारण भी हुआ, निवारक भी है और उपाय भी है। तो इस तरीके से हमने इनको जाना। तो उम्मीद करते हैं तीसरा और चौथा आपको समझ में आ गया होगा, एक बेसिक डिफरेंस समझेंगे। इसमें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट को ऐसा ऑर्डर देता है, और इस कंडीशन में, अगर हम इस कंडीशन में बात करते हैं, तो ये पहले जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो ये जुडिशरी मतलब न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्थाओं के लिए था, लेकिन 1991 में इसे मॉडिफाई किया गया और बाद में जो है इसमें बाकी के क्षेत्रों को भी जोड़ दिया गया। तो आपके चार रिट हो चुके हैं और एक एक शब्द ध्यान रखना है। बंदी प्रत्यक्षीकरण में हमने बोला प्रस्तुत करो, परमादेश में हमने बोला कोर्ट ने आदेश दिया कॉन्स्टिट्यूशन स्टैचुटरी और नॉन स्टैचुटरी बॉडी को, हमने प्रतिषेध में बोला रोक दो, यानी कोर्ट का जो डिसीजन है उसे रोक दो, वो प्रभावी नहीं होगा, और जब हमने उत्प्रेषण की बात की हमने बोला प्रमाणित करो या इसकी हमें सूचना दो और ये केस ऊपर भेजो। अब हम यानी पांचवें रिट पर बात करेंगे जो है अधिकार प्रेक्षा, क्यों वॉरेंटो। तो हम देखेंगे पांचवें रिट को, और पांचवा रिट है अधिकार प्रेक्षा, ये इसी को हम कहते हैं क्यों वॉरेंटो। आखिर ये क्या कहता है, नाम से ही समझेंगे। प्राधिकृत मतलब सीधी सी बात समझिए, अगर हमारे विभाग में अभी एक शर्त क्या है, विभाग सार्वजनिक होना चाहिए। अगर सार्वजनिक विभाग में किसी नागरिक ने कोई काम या कोई अपना दावा लगाया हुआ है और हम उस पर जांच कर रहे हैं, तो न्यायालय कई बार हमसे ये पूछ सकता है आपको क्या अधिकार है, मतलब जो काम हम कर रहे हैं या हमारा विभाग कर रहा है वो पूछ सकता है क्या ये आपके अधिकार क्षेत्र में है, और अगर अधिकार क्षेत्र में नहीं है तो हमारे द्वारा की गई कार्यवाही को वहीं पर रोकने के लिए आदेश दे सकता है। जैसे समझिए जनरल लाइफ से हम देखते हैं, अगर हमारा कोई काम किसी विभाग में लगा हुआ है और हमें ऐसा लगता है कि इस विभाग को छेड़छाड़ करने की कोई जरूरत नहीं है, या ये विभाग जबरदस्ती हमारे काम में टांग अड़ा रहा है, और इस कंडीशन में हम कोर्ट में रिट लगा सकते हैं। और अगर हमने रिट लगाया और हमने रिट किस आधार पर लगाया कि साहब हमारा ये काम है और ये विभाग अनावश्यक कारणों से इस काम में हस्तक्षेप कर रहा है, तो न्यायालय जांच करेगा, और अगर वो पाता है कि भैया सच में उस विभाग का इस काम में कोई भी रोल नहीं है, तो वो उस विभाग से, उस सार्वजनिक कार्यालय से उसके खिलाफ वारंट जारी कर सकता है, उससे पूछ सकता है कि आप किस अधिकार के तहत इस विषय में हस्तक्षेप कर रहे हो, और जो है इस अधिकार परीक्षा के तहत जो है उस विभाग से उस काम को आगे बढ़वाया जा सकता है। तो अभी हमने पांच रिटों पर बात कर ली है। तो अभी हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, हमने इसको पढ़ लिया है। अब देखेंगे कैसे ये टॉपिक कितना बेहतरीन है और 2 मिनट के अंदर कैसे हम इसे रिवीजन कर सकते हैं। आप लोग कंटेंट पढ़ने के बाद इस पार्ट को जरूर अटेंड किया करें, और इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 33 क्या कहता है, आर्टिकल 34 क्या कहता है, आर्टिकल 35 क्या कहता है। तो अभी हम एक जल्दी से रिविजन कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एक प्रकार का फंडामेंटल राइट है, और ये कहां पर मेंशन है, आर्टिकल 32 में मेंशन है। सभी मौलिक अधिकारों को ये रक्षा प्रदान करता है, मतलब अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज उन्हें प्रोटेक्ट करने का काम करता है। B.R. अम्बेडकर ने इस पार्ट को संविधान का हार्ट बोला है और संविधान की सोल बोला है। इसके अलावा हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही रिट जारी कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32, हाई कोर्ट आर्टिकल 226।
लेकिन अब हम एक छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करते हैं उनमें डेफिनेटली डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस क्या है? सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करता है वो एक फंडामेंटल राइट है, वो एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन हाई कोर्ट जो रिट जारी करता है वो एक विशेषाधिकार है, वो मौलिक अधिकार नहीं है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, अगर फंडामेंटल राइट होता ना उसे भी 12 से 35 के बीच में रखा जाता। दूसरा डिफरेंस क्या है? सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करता है वो केवल मूल अधिकारों के रक्षा के लिए जारी करता है, लेकिन हाई कोर्ट जो रिट जारी करता है वो इनके अलावा भी किसी विषय पर जारी किए जा सकता है। तो ये छोटे से डिफरेंसेस हैं। अब फिर से हम आ जाते हैं, हमने देखा कि जो रिट है एक प्रकार का विशेषाधिकार है। रिट सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जो तब जारी किया जाता है जब किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन होता है। पहले ये ब्रिटिश किंग या हमें ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में दिखता है, बाद में हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में दिखता है। रिट पांच प्रकार की हमने देखा। पहले हमने देखा बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक एक वर्ड देखेंगे खत्म कर देंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब प्रस्तुत करो, अगर किसी को बंदी बनाया गया है बिना किसी वैध कारण के तो न्यायालय उसे प्रस्तुत करने का आदेश देता है, उसी को हम कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है परमादेश, कोर्ट कहता है हम आदेश देते हैं। क्या आदेश देते हैं? कि अगर कोई सार्वजनिक विभाग है, कोई सार्वजनिक उपक्रम है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अगर कोई अधिकारी या विभाग निर्धारित समय पर कोई काम नहीं करता है तो कोर्ट आदेश देता है कि समय पर यह कार्यवाही पूरी की जाए। तीसरा है प्रतिषेध। प्रतिषेध क्या कहता है? ये केवल जुडिशरी के लिए जारी किया जा सकता है, मतलब अगर अपर कोर्ट लोअर कोर्ट को प्रोहिबिट करता है, मतलब उस कोर्ट के द्वारा दिया गया डिसीजन वहीं पर नल एंड वॉइड हो जाएगा, मतलब ये एक निवारक कार्यवाही है। और चौथा क्या है? उत्प्रेषण। उत्प्रेषण यानी सिक्योररी क्या कहता है? कि ये पहले जुडिशियल ग्राउंड्स पे था, बाद में इसे सार्वजनिक उपक्रमों के लिए भी कर दिया गया। ये कहता है अगर किसी कोर्ट में कोई भी मामला लंबित है, ड्यू है, तो उस कंडीशन में कोर्ट ये ऑर्डर देता है कि जो मामला लंबित है उसे हमारे पास भेज दिया जाए, मतलब ये निवारक के साथ साथ उपाय भी है। और पांचवा है क्यू वॉरेंटो यानी अधिकार प्रेक्षा, यानी अगर किसी व्यक्ति का कोई मामला किसी सार्वजनिक विभाग में दावा उसने किया है और उसे लगता है कि यह विभाग इस काम में अनावश्यक हस्तक्षेप करता है, तो वह सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में रिट लगा सकता है। कोर्ट उससे पूछता है आखिर आपने किस अधिकार के तहत इस पर अभी तक रोक लगाई थी। तो आपने देखा हमने पांच प्रकार के रिट जाना, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जाना। अब हमें जल्दी से देख लेना है आर्टिकल 33, 34, 35 क्या कहते हैं। अब हम देखते हैं आर्टिकल 33 क्या कहता है। आर्टिकल 33 पार्लियामेंट को यह पावर देता है, आर्टिकल 33 पार्लियामेंट को यह पावर देता है कि भारत में जितने भी सशस्त्र बल हैं या पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, अर्धसैन्य बल हैं, जितने भी पुलिस बल हैं या जितने भी खुफिया बल हैं, आप उनके फंडामेंटल राइट्स को सीमित कर सकते हैं या उनके मौलिक अधिकारों को कम कर सकते हैं। अब ये क्यों जरूरी है? कुछ लोग सोच रहे होंगे क्यों सर, पुलिस वाले इंसान नहीं है। अब समझिए जरा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देता है राइट टू स्पीच, मतलब बोलने की स्वतंत्रता। अब समझो अगर किसी सीनियर ने एक सिपाही को बोला कि वहां पर जाके मोर्चा संभालो और सिपाही ने बोला साहब उससे क्या होगा, और उन दोनों के बीच में 5 मिनट बहस चल गई और सिपाही ने बोला साहब मेरे जाने की जगह पर आप चले जाएं, आप सीनियर हैं, ज्यादा अच्छा होगा, तो मतलब हम देख पा रहे हैं कि ऐसी स्थितियों में यानी हमारी जो सेनाएं हैं, सशस्त्र बल है, इन सारी स्थितियों से बचाने के लिए, अनुशासन को बनाए रखने के लिए संसद ये अधिकार देता है कि आप इनके लिए मौलिक अधिकारों को अलग से निर्धारित कर सकते हैं। आते हैं आर्टिकल 34 और बेहतरीन है। आर्टिकल 34 कहता है मार्शल लॉ की स्थिति में मौलिक अधिकारों की स्थिति, मतलब क्या है मार्शल लॉ? एक पहली चीज तो ये समझिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मार्शल लॉ को डिफाइन नहीं किया गया है। ये मार्शल लॉ जो है एक
इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है सैन्य शासन, मतलब सेना का शासन। कई देशों में आपने देखा होगा सेना सरकार चलाती है, ये कब होता है समझिए। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, अगर नॉर्थ ईस्टर्न की बात करें, जहां पर दंगे हो रहे हैं, विद्रोह हो रहे हैं, जगह जगह पर लोगों को मारा जा रहा है, हिंसात्मक माहौल है, उस जगह पर सारी पावर्स जो है सेना को सौंप दी जाती है और सेना की ताकत असीमित होती है। तो सर ये तो गलत हो गया, हमारे फंडामेंटल राइट्स तो खत्म हो गए। ये इसलिए किया जाता है, फंडामेंटल राइट्स तब जब देश के अंदर शांति और सौहार्द का माहौल हो। अगर देश के अंदर पीस ही नहीं है तो फिर सारी चीजें पॉसिबल ही नहीं है। तो आर्टिकल 34 कहता है कि मार्शल लॉ की स्थिति में मौलिक अधिकारों की स्थिति, मतलब सैन्य शासन में मौलिक अधिकार सीमित होते हैं और असीमित ताकत मिल जाती है सेना को। अब हम देखेंगे आर्टिकल 35। यह आर्टिकल कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए, कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए पार्लियामेंट को पावर प्रोवाइड कराता है। तो हमने ये देखा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले 7 फंडामेंटल राइट थे, अभी 6 हैं, संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। और हमने देखा आर्टिकल 12 से लेके 35 तक याद करना आपके लिए बिल्कुल सरल है, आप देखेंगे 2 मिनट के अंदर कैसे हम 12 से 35 तक की गिनती गिन लेते हैं। हमने 12 में बात की राज्य की परिभाषा, 13 में बात की न्यायालय मौलिक अधिकारों का प्रहरी है, 14 में हमने बात की विधि की, 15 में हमने धर्म जन्म स्थान आदि आधारों पर समानता की बात की, 16 में हमने लोक नियोजन की बात की, 17 में अनटचेबिलिटी की बात की, 18 में उपाधियों के अंत की बात की, 19 में हमने 6 फंडामेंटल राइट देखे, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं देखी, 20 में हमने देखा अपराध, 21 में हमने देखा प्राण एवं जीवन के प्रति स्वतंत्रता, 22 में हमने देखा गिरफ्तारी से संरक्षण, 23 में हमने बात की मानव दुर्व्यापार, 24 में हमने बात की कि 14 वर्ष से कम बच्चों को कारखानों में लगाने पर निषेध, 25 में हमने बात की धार्मिक यानी व्यक्तिगत आधार पर धार्मिक प्रबंधन की बात की, और 26 में हमने बात की सामूहिक आधार पर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और 27 में हमने बात की उनके प्रचार और संस्थाओं के बारे में, 28 में हमने बात की धार्मिक शैक्षणिक संस्थानों की, 29 में हमने बात की अल्पसंख्यकों के हितों की, 30 में हमने बात की शैक्षणिक संस्थाओं की अल्पसंख्यकों के लिए, 31 में हमने देखा संपत्ति का अधिकार था उसे हटाया गया, 32 में देखा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, 33 में हमने देखा कि सशस्त्र बलों के लिए मौलिक अधिकार, 34 में देखा मार्शल लॉ की स्थिति में मौलिक अधिकार, और 35 में देखा कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने की संसद की शक्ति। तो आप इसको देख पा रहे होंगे, अगर आप एक कीवर्ड पकड़ेंगे तो याद कर पाना इजी होगा। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और आप देखेंगे आर्टिकल 36 से लेके 51 तक हम 15 मिनट में पूरे याद कर लेंगे। थैंक यू सो मच।